मेंटल सही नाम रखा. कौन रहता है इस वीराने में? मेंटल. पर क्या करूं बेटा, मेरा उसका एक सेंटिमेंटल रिश्ता है. सेंटिमेंटल? और आप? बेटा बात 2006 की, मैं कैप्टन था. मेरी टुकड़ी मणिपुर के जंगलों में मिलिटेंट्स के ठिकाने के तरफ बढ़ रही थी. तभी एक एक्सप्लोजन हमारे फ्रंटमैन को बुरी तरह से घायल कर दिया. तब हवलदार गोरख सिंह सिसोदिया उर्फ मेंटल ने बोला, थन में कुछ हुआ तो टुकड़ी का क्या होगा साहब. उस हमले को उसने लीड किया और आने वाले कई हमलों को भी. फिर जिम्मेदारियों ने उसे वापस राजस्थान बुला लिया. And then? Life happened. Come on, let's go. और फिर? मेरी पोस्टिंग LOC हुई. पिछले महीने अचानक मेंटल का फोन आया. बोला, आपरी बड़ी याद आवे, कभी हमारे गांव भी पधारो. और मैं यहाँ. Try acting dad. कुछ बात चली. Try calling mental son. एक याद चली. No network dad. Don't worry. जहाँ नेटवर्क नहीं जाता बात और एक चली, गाड़ी एक याद चली घूमी बहकी मेरे साथ चली. खम्मा घणी सा आखिर आपको आना ही पड़ा. एक याद चली मेरे साथ चली. थारे बिना हमारा क्या होता. आपका बेटा. एक याद चली. ये थी बैंगलोर से कैप्टन विनय शर्मा और उनकी आई-10 की सेंटिमेंटल स्टोरी, जिन्होंने 1700 किलोमीटर का सफर तय करके दोस्ती की नई मिसाल कायम की. अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लॉग ऑन कीजिए brilliantmoments.in पर और इनके लिए वोट कीजिए. ऐसे ही 20 सालों से आपकी यादों का रिश्ता रहा है Hyundai के साथ. इस सफर में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया.